हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि UP SSSC, जी हाँ दोस्तों, UP SSSC, जिसके अंतर्गत में कई वैकेंसी आपको कराई जाएगी और उसमें ये PET यानी कि जो पहला टेस्ट है, जैसे कि लेखपाल, टेबल ऑपरेटर वगैरह वगैरह का, जिसमें जो पहला टेस्ट है जिसे PET के नाम से यानी पेट परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्त। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जनरल, OBC, SC और ST चारों कैटेगरी के लोगों ने, मेल और फीमेल सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पिछले बार में जो भी कटअप गया था, जैसे कि हम ऐसे ही बता देते हैं, पिछले बार में जनरल और OBC का लगभग में 64 गया था यानी 64, और वहीं पे SC का 55 और सॉरी दोस्त SC का 55 और ST का 45 के लगभग में गया था, मतलब दूसरा नंबर इधर उधर उतना ध्यान नहीं है। लेकिन हम इस बार अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फार्म पिछले बार की अपेक्षा में इस बार भरा गया है, इस बार ज़्यादा फार्म भरा गया है UP SSSC में। तो इस बार हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है UP SSSC का, पेट के एग्जाम का, तो आइए बात करते हैं। तो अगर जनरल का हम बात करें कि अगर जो भी बंदा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आता है, वो अगर अपना मार्क यानी कि रो मार्क सही, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माइनस मार्किंग है ना, सही अगर वो 75 से 80 करता है तो वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई किया गया है। तो जनरल में अगर आप 75 से ऊपर में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या है, सेफ माने जाएंगे। 75 से ऊपर में आप 100 में 100 कर लीजिए, उससे कोई हमें मतलब नहीं, लेकिन 75 से ऊपर अगर आप करते हैं तो 100% क्या है, आप सेफ हैं। उसके बाद से अगर हम OBC का बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास का, तो OBC का अगर हम बात करें तो OBC आप यहाँ पर 70+ करेंगे तो क्या है, आप सेफ हैं, इससे कम में कोई आपका गुंजाइश नहीं है। तो OBC के लिए 70+ में सेफ माना जाएगा। वहीं पे अगर शेड्यूल कास्ट यानी कि SC का बात करें तो SC के लिए 65+ और ST का अगर बात करें तो इसके लिए 55+ सेफ माना जाएगा। ये है आपका UP SSSC PET एग्ज़ाम का कटअप कि इतना आपको करके आना ही है, नहीं तो दोस्त अगर इससे कम होगा तो, क्योंकि फॉर्म अप्लाई किया गया है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर लोग जो टीचर वीचर होते हैं वहीं लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लो लेवल का लोग जो जैसे कि GD OD कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं ना, आर्मी एयरफोर्स में भी वो लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो हाई लेवल का तैयारी करते हैं ना वहीं इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो UP SSSC का कटअप इतना ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।